इतना जुल्म कर दिया, इतना जुल्म क्या करना था, शरीर में क्या किया था कि वो तो मुझे खिलाफ होता था, पाकिस्तान का साथ देता था, इसलिए इसको मार दिया बेचारे को। अभी हम रुकने नहीं वाले, जितनों को मारना मारो, तुम लोग इतने जालिम हो कि मुझसे मोहब्बत नहीं है तो बंदों को क्यों शहीद करवाते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने अरशद शरीफ की बेटी की बात सुनी, वो कहते हैं जितना जुल्म करने कर लो, किसी का जो पाकिस्तान के साथ होता है, पाकिस्तान के लिए बोलता है, उसको आप लोग मरवा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसकी बेटी बहुत ही गमज़दा थी और उसकी माँ का भी वीडियो पैगाम आया कि मेरे बेटे का मैयत मुझे वापस दे दो, इमरान ख़ान को बता दो कि मेरा बेटा मर चुका है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, जो कि केन्या में एक सहाफ़ी थे, उनको कत्ल कर दिया गया। ये बहुत ही गलत हुआ है और बहुत दुख का बात है पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए बोले, जो भी पाकिस्तान के साथ आवाज़ उठाए उसी के आवाज़ को दबा दिया जाता है। क्योंकि अरशद शरीफ पहले भी कहते थे कि मैं मौत से कभी नहीं डरता, उनका एक वीडियो पैगाम है, कहते हैं मैं मौत से कभी भी नहीं डरता, मौत तो हार्ट अटैक से भी आ सकता है। तो अब अरशद शरीफ के सिमत के बारे में क्या क्या